उत्तर प्रदेश में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस को मात देने के लिए लगातार लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत मथुरा में रिफाइनरी इलाके के क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी ने अपने इलाके में कोरोना महामारी को लेकर अनाउंसमेंट से लोगों को जागरूक किया। देखिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू और जगह जगह अनाउंसमेंट के थ्रू तथा हमारे द्वारा भ्रमणशील रह करके जनता में ये जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना वायरस दोबारा से बढ़ रहा है और इसके प्रति कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना तथा सजग रहने की आवश्यकता। पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है चालान को लेकर? इसमें पहले तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उसके अलावा चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे कि वाहन चालक अगर मास्क के बगैर उनको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ट्रैफिक के नियमों के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी तथा मास्क के न लगाने के एवज में भी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी ने इलाके का भ्रमण किया और कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोगों को मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया, जबकि कुछ लोगों को पता नहीं था जिन्हें कोरोना गाइडलाइन के बारे में समझाया गया, जो बिना मास्क घूम रहे थे। गाड़ी चालकों का भी चालान किया गया। इस दौरान गाड़ी चलाते समय मास्क लगाने के निर्देश दिए गए और नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।